पूरे घर का एक एक कोना रंग बिरंगी लाइटों से चमकना चाहिए। सीढ़ियों से सीधा बहू के कमरे तक फूलों की चादर बिछ जानी चाहिए। और हाँ, मंदिर में शिवनगरी से मंगाया हुआ इत्र भी रखा है, पानी में डालकर पूरे घर में उसका छिड़काव करवा देना। मैंने ढोल नगाड़े वालों को भी बोल दिया है, जैसे ही बहू बेटे गाड़ी से उतरें, ढोल की आवाज़ हर घर तक पहुँचनी चाहिए। आखिर सबको पता चलना चाहिए कुमुद अपने बेटे को ब्याह के ला रही है। अरे जीजी, जरा सांस तो ले लो, ऐसा भी क्या दिखावा करना। आप तो जानती ही हैं, आजकल कहाँ किसी को दूसरों की खुशियाँ बर्दाश्त होती हैं। और फिर अपना सूरज तो वैसे ही सूर्य के समान चारों तरफ शहर में प्रकाश फैला रहा है। पहले ही सभी की काली निगाहों का अंधेरा उस पर डला है, और आप ये सब करके क्यों बेटे की बस्ती बसने से पहले उजाड़ने लगी हैं। कुमुद जी की देवरानी ने उन्हें टोक दिया। मनोरमा, तुमसे कितनी बार कहा है, जब हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और इसका उदाहरण तुम 1 साल पहले खुद अपनी आँखों से देख चुकी हो। मुझे अपने ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है। मैंने अपने परिवार और उसमें रहने वाले हर सदस्य की डोर अब उनके हाथों में थमा दी है। चलो तुम अब बस बहू को लेने की तैयारी करो। कुमुद जी ने हाथ जोड़ मंदिर की तरफ इशारा किया और फिर से घर में काम करने वाले लोगों से बातचीत करने में व्यस्त हो गई। जीजी भीना हर किसी को अपने जैसा समझती हैं, पर उन्हें कौन समझाए, दुनिया वैसी नहीं है। भगवान जीजी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना, उन्होंने सिर्फ अपने जीवन में संघर्ष ही देखा है। अब जब उनके हिस्से में खुशियाँ आई हैं, वो वापस मत छीनना। ऐसा ही होगा मनोरमा जी, भाभी माँ और हमारे परिवार का अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब आप चलिए, सूरज और हमारी दोनों बेटियाँ बहू को लेकर वहाँ से निकल चुके हैं, किसी भी वक्त पहुँचते होंगे। तुम उनके स्वागत की तैयारी कराने में भाभी की मदद करो, मनोरमा के पति भूषण ने कहा। जी, आप सही कहते हैं, आप चलिए, मैं आती हूँ। थोड़ी देर में पूरे घर में खुशियों की लहर दौड़ गई थी। सूरज और नई बहू घर में प्रवेश कर रहे थे। बहू के स्वागत में कहीं कोई कमी नहीं रखी गई थी, जिसे देखो वही दौड़ दौड़ कर काम में लगा था। कुमुद जी तो बहू की बलाइयाँ लेते नहीं थक रही थी। रोली से भीगी परात में उसके पैरों के कदम डुबो कर छोटे छोटे कागज में उसके पहले कदमों को संजो कर रखा जा रहा था। दोनों के वैवाहिक जीवन के लिए हर कोई उन्हें आशीर्वाद दे रहा था। नई बहू को उसके कमरे में पहुंचाया गया। सब लोग बहुत खुश थे कि अचानक से नई बहू के कमरे में चिल्लाने की आवाज़ें आनी शुरू हो गई। थोड़ी देर पहले घर में फैली खुशियां गम में पसर गई थी। कुमुद जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये सब क्या हो गया। वो बदहवास सी ऊपर कमरे में भागी। आप सभी से मुझे ये उम्मीद ना थी, अब समझ में आया, जो नीचे हो रहा था वो मात्र दिखावा था, असल में एक मासूम लड़की की ज़िंदगी जो बर्बाद कर दी। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, और जिसे मैंने अपना जीवन साथी समझा वो भी इतना झूठा निकलेगा, ये मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। नई बहू सौम्या गुस्से से अपना शादी का जोड़ा निकाल सूट पहनकर अटैची लिए खड़ी थी। कुमुद जी तो मानो जैसे जड़वत हो गई। थोड़ी देर पहले तो सब ठीक था, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया। वो सौम्या को अपने कमरे में ले गई। बाहर और नीचे खड़े सारे मेहमान दंग रह जाते हैं, और वहाँ से निकलने में ही अपनी भलाई समझते हैं। पूरे घर में एक अजीब सन्नाटा फैल जाता है। मनोरमा जी हाथ जोड़कर मंदिर में भगवान के सामने खड़ी होकर अपनी जेठानी के परिवार के लिए मनोकामना करने लग जाती हैं। बहू, ये सब क्या है, घर मेहमानों से खचा खच भरा पड़ा है, और सभी के सामने इस तरह का व्यवहार, आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो तुम्हें ये कदम उठाना पड़ा, और आखिर हम लोगों से ऐसी कौन सी भूल हो गई। सासू माँ, धोखा करते शर्म नहीं आई, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे इस घर में अब नहीं रहना, आप मेरे माता पिता को अभी बुला दें। मैं नहीं जानती कि तुमने क्या और कहाँ सुना है, पर इतना जानती हूँ कि हमने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ किसी भी प्रकार का धोखा नहीं दिया है। तुम्हारे घर वालों को फ़ोन कर दिया है, किसी भी वक्त आते ही होंगे। तुम ये तमाशा करना बंद करो और अपने कमरे में जाकर आराम करो। बड़े ही शांत और सौम्य स्वभाव से कुमुद जी ने अपनी बात कही और वहाँ से नीचे चली आई। मैंने आपसे कहा था जीजी कि ज़्यादा कुछ मत करिए, नज़र लगते देर नहीं लगती, ये लीजिए आप पानी पीजिए। कुमुद जी पानी का गिलास हाथ में लेती हैं और अतीत के गलियारे में खो जाती हैं।
कुमुद जी घर में बड़ी बहू बनकर आई थी। आते ही अपने परिवार की प्रिय बन गई थी। उनका व्यवहार था ही इतना अच्छा कि आस पड़ोस नाते रिश्तेदार उनकी तारीफ करते ना थकते। वो भी इतना अच्छा ससुराल और पति पाकर अपने भाग्य को लेकर इतराती। पर समय के साथ एक ही कमी थी जिसने कुमुद जी को गहरे अवसाद में पहुंचा दिया था। वो था माँ बनने का सौभाग्य ना प्राप्त होना। देवरानी मनोरमा के भी दो बेटियां हो चुकी थी, लेकिन उसकी गोद खाली थी। वो हमेशा दुखी ही रहती। तब सूरज का होना किसी चमत्कार से कम न था। सूरज यही नाम रखा गया था। उनके घर के लिए एक आशा की किरण जो लेकर आया था। सिंह परिवार का इकलौता वंश अपने नाम के जैसा ही था। जैसे जैसे सूरज बड़ा होता गया, उसके चेहरे पर तेज बढ़ता ही गया। जल्दी ही पढ़ाई पूरी कर सूरज ने अपने पारिवारिक व्यापार संभाल कर उसे एक नए मुकाम तक पहुंचा दिया था। पूरे शहर में उसके नाम और काम का बोलबाला था। चारों तरफ से सूरज के लिए रिश्ते आने शुरू हो गए थे। एक दो जगह बात चल ही रही थी कि एक सड़क हादसे में सूरज की कार का एक्सीडेंट हो गया। पीठ के दोनों गुटके दब गए थे। 2 महीने तक वो बिस्तर पर सीधा ही लेटा रहता। पूरा घर दिन रात उसके सही और फिर से पहला जैसा होने के लिए पूजा पाठ और कामनाएं करता रहता। पैसे की कोई कमी थी नहीं, बेहतर इलाज और दवाइयों से जल्दी ही सूरज खड़ा और पहले जैसा हष्टपुष्ट नौजवान हो गया था। पर फिर भी डॉक्टर ने एहतियात के तौर पर उसे शारीरिक तौर पर अकेले शहर से बाहर या काम का ज़्यादा बोझ डालने के लिए मना किया था। 6 महीने ही बीते थे, एक बार फिर से लड़की वालों का इसके रिश्ते के लिए आना शुरू हो चुका था। कुमुद जी अभी इन सब के लिए तैयार नहीं थी, पर लड़की वाले इस कदर पीछे पड़ चुके थे कि वो सौम्या के पिता को मना नहीं कर पाई। पर वो इसी शर्त पर तैयार हुई थी कि लड़की को सूरज के एक्सीडेंट और डॉक्टर के बताए गए एहतियात तौर तरीके पहले बता दिए जाएं। भाभी जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, प्रेमा जी और मैंने सौम्या से पूछ कर ही इस रिश्ते के लिए बात चलाई है। आप बस रिश्ता पक्का करने की तारीख निकलवाएं। सुधाकर जी ने मिठाई के डिब्बे रख सभी के सामने हाथ जोड़े थे और सभी बड़ों के समक्ष रिश्ता पक्का हो गया था। जब दोनों परिवार के बीच में हर तरह से बात साफ थी, फिर भी सौम्या ने इस प्रकार क्यों शोर मचा रखा था? कुमुद जी ज़्यादा शोर शराबा और दिखावा नहीं करना चाहती थी, इसलिए एक छोटे से कार्यक्रम में ही उन दोनों ने सगाई की अंगूठियाँ बदल ली थी। उस दिन कुमुद जी ने खुद सौम्या से पूछा था, बेटी तुम इस रिश्ते से खुश तो हो? तुम्हारे ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव या जबरदस्ती तो नहीं? तब सौम्या ने सिर हिलाया ही था कि पीछे से प्रेमा जी यानी सौम्या की माँ ने आकर बात काट दी थी। अरे भाभी जी, मेरी सौम्या तो बहुत भाग्यशाली है जो उसे शहर के इतने नामी परिवार की बहू बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिर जबरदस्ती की तो बात ही कहाँ होती है। अपने बेटे के लिए इतनी समझदार बहू पाकर मानो कुमुद जी के पैर जमीन पर ना थे। हमेशा की तरह एक बार फिर उन्हें भाग्य और भगवान पर भरोसा हो गया था कि अगर आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो आपका भी कभी बुरा नहीं हो सकता। फिर अब ये सब क्यों? कुमुद जी नीचे आकर सौम्या के माता पिता का इंतजार करने लगी। वो जल्द से जल्द उनसे बात करने के लिए उतावली थी। आखिर बात उनके बेटे के भविष्य की जो थी। ऊपर सूरज सौम्या को अपने कमरे में ले जाता है, दोनों हाथों से सौम्या के हाथों को पकड़ता ही है कि उसकी आंखों से अश्रु धारा बहने लगती है। नहीं जानता मैं कि ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए तुम हम सबसे इतनी नाराज हो, पर 24 घंटे पहले जो अग्नि के समक्ष हम दोनों के फेरे हुए थे, 7 जन्मों तक एक साथ साथ निभाने की कसम खाई थी, सगाई से लेकर शादी वाले दिन तक हम दोनों के बीच जो कुछ भी था वो मात्र एक दिखावा था। सूरज जी, बात झूठ सच दिखावे की नहीं है, बात इतना बड़ा राज छुपाने की है कि आपका इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, आपको डॉक्टरों ने अकेले कहीं जाने से मना किया है और शारीरिक रूप से भी अभी आप पूरी तरह सक्षम नहीं हैं। बात उसकी है तो वो तो मैंने आपके यहाँ आए लोगों को बात करते सुना, तब पता चला कि मेरे साथ धोखा हुआ है। सौम्या, धोखा हमने नहीं, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे साथ किया है। भूल गई तुम, जब मैंने तुमसे कहा था कि हम हनीमून पर शादी के तुरंत बाद नहीं जा सकते, तब तुमने मेरी बात पर हामी भरी थी कि तुम जानती हो। सूरज, अब कहा तो कहा, आगे से कभी मत कहना कि मेरे माता पिता ने मुझसे झूठ बोलकर शादी कराई है। सौम्या बहुत आक्रोशित हो गई थी। इससे पहले कि वो कुछ और बोलती, नीचे से उनके यहाँ काम करने वाली आरती आ गई। नई भाभी के माता पिता आए हैं, आंटी जी ने सभी को बैठक में बुलाया है। सभी नीचे बैठक में आ जाते हैं। घर में एक अजीब सी शांति फैली हुई थी।
सौम्या की आंखों में अनगिनत प्रश्न थे, वहीं सूरज की आंखों में नमी महसूस की जा रही थी। थोड़ी देर पहले खुशी से फूली ना समाने वाली कुमुद जी तो हंसना ही भूल गई थी। भाई साहब, ये सब क्या हो रहा है? हमने सूरज के बारे में किसी भी तरह की कोई बात आपसे नहीं छुपाई थी, फिर आपकी बेटी का इतना बड़ा इल्जाम। इतने सारे नाते रिश्तेदार के बीच इस प्रकार का बखेड़ा कैसे खड़ा कर सकती है? आपने तो कहा था कि सौम्या को पहले ही सब बता दिया गया है, तभी वो इस रिश्ते के लिए तैयार हुई है। अब ये सब? कुमुद जी उनके आते ही बिफर पड़ी। मैं आपसे अपनी बेटी के लिए माफ़ी मांगता हूँ, क्या मैं उससे अकेले में बात कर सकता हूँ? सुधाकर जी हाथ जोड़े खड़े थे। तभी सौम्या सूरज के साथ नीचे आ जाती है। सुधाकर जी और प्रेमा जी उसे एक कमरे में ले जाते हैं। ये क्या नाटक लगा रखा है? हमने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि लड़के का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो चुका है, पर अब वो पूरी तरह से ठीक है, फिर ये सब क्यों? छोटा सा एक्सीडेंट? वो इतना छोटा सा एक्सीडेंट था कि लड़का कहीं अकेले घूमने नहीं जा सकता, या अभी वो शारीरिक रूप से असमर्थ है। माफ़ कीजिए, आप मेरे बड़े हैं, पर इतना बड़ा झूठ अपनी ज़िंदगी के साथ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे यहाँ से ले चलिए। अरे, इतनी बड़ी बात नहीं है ये, कल को यही सब शादी के बाद हुआ होता तब भी तुम यही करती, और फिर आगे तुम्हारी 3 बहनें और भी हैं, उनके बारे में तो सोचो। इतना अच्छा परिवार, बड़ा कारोबार और सूरज जैसा लड़का कहाँ ही मिलता है। थोड़े समय की बात है, पैसा सारे दुख दर्द, छोटी मोटी समस्याएं हल कर ही देता है। सुधाकर जी की आवाज़ में तलखी थी, जैसे उन्होंने कुछ किया ही ना हो। मतलब ये सब आप पहले से ही जानते थे? सूरज जी बिल्कुल सही थे, आपने एक बेटी की बलि देकर अपनी 3 लड़कियों के ब्याह का इंतजाम किया है, और मैं यहाँ सभी को कितना गलत समझ रही थी, जबकि मेरे अपने माता पिता ने ही मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया हो। सौम्या पूरी तरह से टूट चुकी थी, आंखों से आंसू मानो सूख ही चुके थे। जिन पर भरोसा कर अपने जीवन की डोर उनके हाथों में थमाई थी, उन्होंने ही उसे बीच समंदर में छोड़ दिया था। वही जिसे वो अपना गुनहगार समझ रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ उसके भले के बारे में सोच रहे थे। आप यहाँ से जा सकते हैं, सौम्या ने मुंह फेर लिया था। माता पिता कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, सूरज जी जैसा जीवन साथी शायद हर किसी के नसीब में नहीं होता। अपने पिता पर विश्वास रखना, पिता बेटी की बलि नहीं भला चाहते हैं। सूरज को सौम्या की ज़रूरत है। सुधाकर जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और वहाँ से निकल गए। आप सभी को खुशी के मौके पर इतनी बड़ी परेशानी से गुजरना पड़ा, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, पर अब बिटिया की तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी। सभी वहाँ से चले जाते हैं। कुमुद जी सूरज को आंखों के इशारे से अपने कमरे में ले जाने का इशारा करती है। रिश्ते प्यार, विश्वास और सच्चाई की नींव पर बनते हैं। मैं नहीं जानती कि मैं हमारे रिश्ते के साथ न्याय कर पाऊंगी या नहीं, पर मैं अपने साथ हुए धोखे को नहीं स्वीकार कर पा रही हूं, जो मुझे मेरे अपनों ने ही दिया है। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी रही होती है जो माता पिता अपने ही बच्चों से बातें छुपा कर उनकी ज़िंदगी का सौदा कर देते हैं। उम्मीद करती हूँ आप मुझे और हमारे रिश्ते को समझने के लिए समय देंगे। सौम्या हाथ जोड़े सूरज के सामने खड़ी थी। सूरज सौम्या को इस तरह टूटा और बिखरा हुआ नहीं देखना चाहता था, पर वह खुद को भी कमजोर नहीं पड़ने देता। शायद पुरुष अहम कभी कभी स्त्री प्रेम से कहीं ज़्यादा भारी पड़ ही जाता है, वो भी जब खुद की और परिवार की कोई गलती ना हो। वो रात जैसे तैसे दोनों ने एक कमरे में ही सही पर दूर रहकर निकाल लेते हैं। सूरज की किरणों के साथ एक नए दिन की शुरुआत होती है। जहाँ सूरज रोज की तरह तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है, कुमुद जी सौम्या के पास आकर बैठती हैं। माता पिता कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। जिंदगी तुम्हारी है, निर्णय भी तुम्हारा है। कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं अपनी बहू के साथ हूँ। जो रिश्ता बोझ लगे उसे निभाने से अच्छा उसे स्वयं भी खत्म कर दिया जाए। पर माँ होने के नाते इतनी सलाह अवश्य दे सकती हूँ, मेरे बेटे में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है और ना ही तुम्हें हमारे घर में कोई तकलीफ होगी। पर मैं खुद भी बिना सच बताए शादी के लिए ना पहले तैयार थी और अभी भी इसके खिलाफ हूँ। अब फैसला तुम्हारा है। 2 से 3 महीने लगे थे सौम्या को इस रिश्ते को स्वीकारने में। सूरज के प्यार और कुमुद जी के अत्यधिक स्नेह ने उसे अपनी ज़िंदगी शुरू करने में बहुत मदद करी। इतने अच्छे परिवार में शादी करने के लिए वो अपने माता पिता की आभारी भी रही, पर कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उसके इस रिश्ते की शुरुआत एक झूठ के साथ रही, इस बात का मलाल सौम्या को जिंदगी भर रहा।
उम्मीद है आप सबको कहानी पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।